हे गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, और आपने पिछली मेरी वीडियो देखी, बायोलॉजी की और फिजिक्स की डाली थी। आज हम अपना केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल में मैंने आपको दिया होगा द सॉलिड स्टेट, उसी शेड्यूल के सारे ही हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा चैप्टर है आज का, द सॉलिड स्टेट। देखिए, बहुत से बच्चों ने तो पढ़ा ही होगा सॉलिड स्टेट क्या होता है, ठीक। तो जो ड्रॉपर्स हैं, लेकिन जो क्लास 12th में हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाली, बहुत ही शानदार, अच्छी, बेस्ट वीडियो जिसे कह सकते हैं। इसमें हम देखिए, एनसीईआरटी में तो कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं है, मैं आपको तब भी दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में क्या है। एनसीईआरटी हो सके तो आप नई वाली लीजिएगा, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें कट रहती हैं। इस वजह से देखिए, इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज पढ़ने वाले हैं, ये सब, ठीक। देखिए, कुछ कुछ चीज़ मैं आपको एनसीईआरटी से बता दूंगा, जो चीज़ एनसीईआरटी से पढ़ने वाली होगी, और जो चीज़ मैं अपने नोट्स, मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं उससे पढ़ाने वाला हूँ आज आपको। जो मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं उससे पढ़ाने वाला हूँ, और बाकी की कुछ चीज़ें हैं जो मेरे नोट्स में थोड़ा राइटिंग में इशू था या कुछ पेजेस ख़राब थे, इसलिए वो चीज़ मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगा या अलग से लिख लिख के पढ़ाऊँगा, ठीक। ये सारा चैप्टर है, और इसमें मैं कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ जिनको आप याद नहीं कर पाते हैं, तो याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, उन सब चीज़ों की ट्रिक्स दूंगा, ओके। देखिए, ये सारा चैप्टर है, जैसे ये सब चीज़ें हैं, क्रिस्टल यूनिट, ये सब क्या होते हैं, आप बहुत लोगों को पता ही नहीं क्या होता है, और आपके पता ही, आपके कोर्स से वो तो हट ही गया है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक वाले, जिसमें फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सारी दी जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, देखो ये सब पढ़ना है आज हमको। हम आपको डायरेक्ट नीचे ले चलते, देखिए क्या कह दिया है। अब बाकी चीज़, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़ाया ना करते हुए, ओके। चलिए, अब अपने बोर्ड पे वापस आ गए हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं अब, ओके फ्रेंड्स। चलिए, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट के अंदर, जो मैं आपको बताऊंगा, आप इसको ऐसे मेरे साथ साथ नोट करते चलिए और लिखते चलिए, समझते चलिए। चलिए, ओके, बस इतना तो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा और छोटा कर दूँ। चलिए बस, ओके। तो अब मेरे साथ साथ बोलिए, क्योंकि देखिए सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम अपना डेली लाइफ में देखते हैं, और उसी से रिलेट करके ही हम आगे पढ़ के, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड, हम पेन ले लेते हैं ये। चलो, तो अब सॉलिड क्या चीज़ होती है? देखो, सॉलिड मतलब जिसमें सॉलिड, अब घर में जानते होंगे सॉलिड क्या, जैसे पेन है, ये क्या, पेन भी सॉलिड है, ये ईयरफोन है, ये सॉलिड आता है, ये रबड़ है, इसके आगे ये सॉलिड। सॉलिड मतलब जिसमें उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, स्पेस कम हो और फोर्स सबसे ज़्यादा मजबूत हो, वो क्या होगा, हमारे सॉलिड्स होंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। 1 सेकेंड, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। अब देखिए, ये मेल्टिंग पॉइंट, मैंने MP लिखा है ना, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, ओके। ये RT का मतलब रूम टेम्परेचर, दिस इज़ रूम टेम्परेचर, ओके, दिस इज रूम टेम्परेचर, ओके। चलिए इसको बैक कर देते हैं थोड़ा, हाँ। अब देखिए, ये सॉलिड में याद रखिएगा, हमेशा MP है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। कभी आपने रूम टेम्परेचर पे सॉलिड को पिघलते देखा है क्या? नहीं। तो सीधी बात है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब हम उसको मेल्ट करेंगे तो हमें हीट देनी पड़ेगी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। और रही बॉइलिंग पॉइंट की बात, ये तो बहुत ही ज़्यादा होगा, उसको बॉईल करवाना है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आयरन पीस है, सीधी बात, आयरन पीस, उसको आपने उसको क्या करा, किसी कंटेनर में डाला, उसको बहुत हीट किया, बहुत हीट किया, सबसे पहले मेल्ट होगा, फिर उसके बाद जाके वो बॉयल होने लगेगा, जब एक अपने टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, मान लीजिए 700 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। देखिए, कोई ना कोई उसका टेम्परेचर होगा, ठीक, ये है।
अब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में है जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हमारा रूम टेम्परेचर से कम होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड है ही, मेल्ट है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होगा। इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर से जब टेम्परेचर कम रहा होगा तब वो सॉलिड पे होगा। रूम टेम्परेचर का मतलब जो हमारा रूम टेम्परेचर है, आसपास सराउंडिंग टेम्परेचर जिसे कहते हैं, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट अभी भी ज़्यादा होगा क्योंकि बॉयल करने के लिए अभी हमें हीट देनी पड़ेगी इसलिए लिक्विड को। और रही गैस की बात, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होंगे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम होगा। देखिए अभी हम इसमें बस सॉलिड की बात करेंगे आगे पूरे चैप्टर में, ये सॉलिड की, ओके। लेकिन एक गैसेस और लिक्विड वाला एक चैप्टर है 11th में, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, इसलिए हम पहले 12th वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये बातें हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नीचे आइए। अब हम आपको बताते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपको आसानी रहे। 1 सेकेंड, बस। अब देखिए इसमें ये सबसे पहली चीज़ दी गई है प्रॉपर्टीज़, हम इसमें प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे ये प्रॉपर्टीज़ दी गई है, इधर ये सॉलिड की दी है, इधर लिक्विड, इधर गैस की, ठीक। अब सबसे पहले वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम सॉलिड की क्या होगी, हमेशा डेफिनेट होगी। वॉल्यूम सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ है तो उसकी वॉल्यूम इतनी है इतनी ही रहेगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, उतनी है इतनी ही रहेगी। लेकिन लिक्विड है, लिक्विड की डेफिनेट नहीं होगी, इनडेफिनेट होगी, क्योंकि जो लिक्विड है आपका पानी, आप इसको किसी भी सरफेस पर फैला दीजिए, सरफेस पर फैलाया किसी कहीं कहीं इतना गया, छोटे गिलास में भर दीजिए इतना हो जाएगा, उसकी अलग अलग शेप हो जाएगी। सॉरी अभी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं नीचे दिख रहा था। वॉल्यूम, वॉल्यूम लिक्विड की सेम रहेगी, डेफिनेट रहेगी, दिस इज़ डेफिनेट, मेरे को लगा हम शेप की बात कर रहे हैं, सॉरी, दिस इज़ वॉल्यूम। सॉलिड में इसकी वॉल्यूम होगी इतनी ही होगी, लिक्विड भी इतना ही। अगर लिक्विड की जैसे मान लो 2 लीटर लिया है, 2 लीटर चाहे आप इतना फैला दो खूब इतना बड़ा, 2 लिक्विड को या इतना कर दो, 2 लिक्विड में, लिक्विड में उसका 2 लीटर उसकी वॉल्यूम होगी तो 2 लीटर उसकी वॉल्यूम ही रहेगी, ठीक। लेकिन गैस में उसकी वॉल्यूम ना इनडेफिनेट हो जाएगी, क्योंकि गैस आप जानते हैं उसकी वॉल्यूम एक जगह रुकती नहीं है, बढ़ती घटती रहती है। प्रेशर उसमें मार दोगे वॉल्यूम घट जाएगी, प्रेशर कम कर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। लेकिन शेप की बात कर दें तो सॉलिड की शेप सेम रहेगी, लिक्विड की शेप बदलती रहेगी, क्योंकि लिक्विड है वो, तो उसको हम कभी किसी तरह के क्या कहते हैं, बर्तन में डाल लियो आप, कभी सरफेस पे डाल लियो, अलग अलग जगह पे आप लिक्विड को डाल सकते हो, उसकी अलग अलग उसकी जैसी शेप हो जाएगी। और गैस का तो इनडेफिनेट रहेगा ही। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें फोर्स कितना होता है बीच में इनके मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें फोर्स होता है सॉलिड के अंदर होता है, तभी तो वो सॉलिड है, नहीं तो वो फिर लूज होता, मतलब रबड़ जैसा लचीला लचीला यूं 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 होता। लेकिन ये अब जैसे ये है, अभी ऐसे ऐसे ये बेशक सॉलिड है, लेकिन सॉलिड में भी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ये एकदम ऐसे होता। लेकिन इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा सॉलिड का, इसलिए तो वो चीज़ सॉलिड है कोई, ठीक। और लिक्विड का मीडियम होगा, ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम, और गैस का सबसे कम होगा क्योंकि वो फैली हुई है ना गैस। और इसमें आपके काम की जो चीज़ है इनकम्प्रेसिबिलिटी, हम उसे कितना कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कर सकते नहीं, कितना कंप्रेस है वो मैक्सिमम सॉलिड में, ये है मीडियम लिक्विड में, और गैस में सबसे कम। अब देखिए यह आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बता दूँ ये चीज़, इसको आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ सॉलिड दिए, पर मॉलिकुलर सॉलिड्स इसमें पोलर नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये सब मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, देखिए जो मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं इनको आप मॉलिक्यूल याद रखिए, क्योंकि इसमें से वैसे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, सुनिए इसको हम स्किप कर सकते हैं, बोर्ड में भी इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, और आया तो मैं बता रहा हूँ कहाँ से आएगा। 1 सेकेंड,
आपसे ये पूछा था कि आयनिक सॉलिड है जैसे, तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है उसमें। अगर मेटेलिक सॉलिड बोला गया तो मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है। देखिए ये क्वेश्चन जो आ सकते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको, इसमें इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और आपको हाँ ये लंदन फोर्सेस वाला आएगा, नॉन पोलर में पाया जाता है, ठीक है, जो मैंने सर्कल मारे उनको आप पढ़ लीजिए, ये वाला पूरा ना, जिस जिस चीज़ की मैं सर्कल मार रहा हूँ, ठीक। और इसमें आपके काम की कोई और चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं हम लैटिस पे। लैटिस क्या चीज़ होती है? मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है दोस्तों। देखिए ये का लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल और स्पेस लैटिस हम यहाँ पढ़ेंगे। अब जैसे क्यूब तो देखा ही होगा आपने, क्यूब देखिए, चलिए क्यूब दिखाते हैं आपको, वन सेकेंड, यहाँ से क्यूब आ जाएगा। चलिए तो ये आपका क्यूब है, जैसे क्यूब तो जानते ही होंगे, जैसे आपका रूम मान लीजिए, आपका रूम ही एक तरह से क्यूब या क्यूबॉइड शेप में होता है, ज़्यादातर क्यूब होते हैं, देख लीजिए, मतलब जिसमें हर साइड आपकी बराबर हो, ठीक। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, जैसे हमने मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा ए, इस कॉर्नर को बी, सी, डी, ऐसे मतलब पूरा इसको हर कॉर्नर को कुछ मान लीजिए, जैसे इसको हमने कुछ मान लिया, इसको कुछ मान लिया, इसको कुछ मान लिया, इसको कुछ, इसको मतलब सबको अपना अलग अलग कुछ मान लिया, ठीक। अब इस इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, जिनसे पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों को हमने क्या कहा वैसे? लैटिस पॉइंट इनको कहा जाता है, जो कॉर्नर्स हैं ना जितने भी। अब इसी के आगे हम दूसरा क्यूब जोड़ देंगे तो वो फिर इसका पॉइंट, मतलब आगे में क्यूब बना नहीं रहा, उसका पॉइंट, मतलब सब में आपस में जो पॉइंट होंगे कनेक्टिंग वाले या कॉर्नर वाले, उनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, ओके। चलिए नीचे आते हैं। अब देखिए लैटिस पॉइंट किसको कहा जाता है? लैटिस पॉइंट आर दोज पॉइंट एट वेज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस, एटम और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, मतलब जहाँ पर हमारे एटम, मॉलिक्यूल या कोई आयंस प्रेजेंट हो उनके कॉर्नर्स पे, कॉर्नर ही तो हैं ये सब, उनको हम लैटिस पॉइंट कह देते हैं, ठीक, उनको क्या कहेंगे हम? लैटिस पॉइंट, ओके। चलिए और इसको फिर आप बाद में आगे बताता हूँ मैं। यूनिट सेल किसको कहा जाता है? ये भी यहीं पढ़िए आप। यूनिट सेल, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड विच ऑन रिपीटिशन इन विच पॉसिबल एक्सिस और डायरेक्शन गिव्स अ कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर, स्पेस लैटिस। मतलब कि यूनिट सेल एक तरह का स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे रूबिक्स क्यूब देखा होगा आपने, जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता ऑन रिपीटिशन, जिसमें कि क्या होता है, एक मिनट देखिए इसको आगे बढ़ा दूँ, ये 3D स्ट्रक्चर बनता है, 3D तो है आप जानते ही हैं। अब इसमें देखिए दो प्रकार के होते हैं आपके ये यूनिट सेल, पहला प्रिमिटिव, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव होता है इसको हम सिंपल भी कहते हैं, अब आगे से हम इसको सिंपल ही बोलेंगे, हम इसको कहीं और कुछ नहीं बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन सिंपल जल्दी याद हो जाता है, इसको सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। और सेंटर्ड CP जिसे हम कहते हैं, सेंटर्ड आगे पढ़ेंगे हम, ठीक। अभी आप यहाँ जानिए सिंपल में क्या होता है, सिंपल में आपके पास कॉर्नर पे लगे होते हैं, ये है ना कॉर्नर पे आपके मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, इसको एटम मान लीजिए या आपके आयंस मान लीजिए, जो कॉर्नर है ना ये सिंपल में आता है। लेकिन जो सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं? इसके अंदर तीन आते हैं, पहला आएगा बॉडी सेंटर्ड, दूसरा आएगा फेस सेंटर्ड और तीसरा आएगा एंड सेंटर्ड, ठीक। अब बॉडी सेंटर्ड में मतलब क्या है? एक बीच में होगा, एक बड़ा सा क्यूब लीजिए आपका कमरा है, कमरे में बीच में हवा में कोई चीज़ लटका दीजिए, जैसे कमरे में हमने हवा में एक बीच में एक चीज़ लटका दी, उसको कह दिया हमने क्या? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक फेस सेंटर्ड, फेस मतलब जो हमारे फेस है, हमारा फेस नहीं, दीवार का फेस, एक दीवार का फेस लिया आपने, रूबिक्स क्यूब लीजिए, रूबिक्स क्यूब का एक साइड का फेस लीजिए, उस फेस में बीच में एक जगह लगाइए, ऐसे सभी फेसेस पे लगा दीजिए, ये जैसे देखिए फेस पे लगे, ये ऊपर नीचे आगे पीछे ये सब, ये फेस है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं हम इसको, ठीक, ओके। और एंड सेंटर्ड क्या होता है? एंड सेंटर्ड मतलब जिसमें आपके एंड से एंड टू एंड लगा हो, मतलब रूबिक्स क्यूब है, ठीक, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ रूबिक्स क्यूब मेरे पास अभी रखा नहीं है,
वन सेकेंड, क्यूब नहीं है, वन सेकेंड एक चीज है, इसको आप क्यूब मान सकते हैं कि ये डब्बा है जैसे, दिख रहा होगा ये डब्बा है जैसे, हाँ। अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, ये है इधर एंड सेंटर, एक इधर लगा एटम हमारा और एक एटम इधर लगा, तो एंड से एंड मतलब ये इस साइड जहाँ मेरा हाथ देखिए ये पोजीशन एंड से एंड, जो मेरी उंगलियाँ टच हो रही है जहाँ पर, ये है आपका एंड से एंड, फेस टू फेस मतलब यहाँ मेरी जहाँ ये उंगली है इधर उंगली, और फिर ये इधर भी फेस पे लगा होगा, और ये इसका इधर वाला फेस, ये वाला फेस, और इसका ये बैक वाला फेस, मतलब हर फेस पे, और बॉडी सेंटर्ड मतलब ये ना इसके बीच में कहीं एक हवा में लटका होगा, ओके। ये चीज़ है, ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपने कमरे में, कमरे में बैठिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को एक बार रिवाइज करते चलिए, आप समझ में आएगा कि कॉर्नर पे हमने क्या लगाया, सेंटर में क्या लगाया, फेस पे क्या लगाया, एज पे, अभी एज आगे पढ़ेंगे, अभी सब चीज़ें पढ़नी है अभी हमको, अभी एंड सेंटर्ड है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ये आती है आपकी पहली ट्रिक जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा, देख रहे हैं इस चैनल को, ठीक। इस ट्रिक में देखिए क्या सबसे मेन चीज़ है, ये मैं बता दूँ आपको पहले, इसको हम इधर भेज देते हैं और इनको इधर ले आते हैं थोड़ा, ठीक है। अब चलिए मेरे साथ बोलिए पहले ट्रिक क्या है, सिटी ऑफ मराठा, फ्रेंड्स ये हमारी ट्रिक है, सिटी ऑफ मराठा, ठीक, आपको ये याद रखना है, अरे सिटी ऑफ कुछ भी याद रख सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ भी हम कहते हैं ना, ये सिटी ऑफ जो भी है आप यहाँ याद रखिए, सिटी ऑफ मराठा। अब मैं बताऊँ सिटी ऑफ मराठा ट्रिक में क्या ऐसा छुपा हुआ है कि जो आपका ये जिसमें क्यूबिक सिस्टम पूरा है ये आपका सारा समा जाएगा, आइए मेरे साथ देखिए, चलिए नीचे आते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं, तो थोड़ा मैं छोटा कर दूँ क्योंकि एग्जाम्पल तो आपके बुक में भी है, आप एग्जाम्पल बुक से देख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है ना ये जो ट्रिक है इसको छोटा कर दूँगी जिससे पूरा एक बार में ट्रिक समझ सकें, हमको बार प्रॉब्लम ना करनी पड़े, वन सेकेंड बस। चलिए इस सिटी है ना, ये सी आई इधर टी वाई, सिटी ऊपर देखेंगे सी आई नीचे टी वाई, ऑफ एम ए मरा नीचे ठ नीचे पहुंच गया है, अच्छा नीचे ज़्यादा लोग हैं, अरे यार यहाँ प्रॉब्लम हो गई आपको, फिर दिख जाएगा बच्चों, वन सेकेंड रुकिए बच्चों, आप लोग क्या करिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको जूम करके देखिएगा अच्छे से, वैसे क्लियर दिख रहा होगा लेकिन नहीं तो आप जूम कर सकते हैं इसको बाद में, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ, म इधर से र फिर टी इधर एच ए, ये दिस इज एच है, ये एच लिखा है वो थोड़ा उसमें कट गया है, वन सेकेंड, ये एच है हमारा एच ए, ठीक है। मराठा स्पेलिंग देखिए पूरी हो गई हमारी, कलर चेंज कर लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं ओके रेड, ठीक ये है यहाँ पे हमारा सिटी ऑफ मराठा, ठीक है ऊपर से नीचे आए। अब सिटी से क्या है क्यूबिक, टी से क्या है टेट्रागोनल, ओस एफ से क्या है ऑर्थोरोम्बिक, देखिए वर्ड थोड़ा उसी से मिल रहा है, म से क्या है मोनोक्लिनिक, र से क्या है रोम्बोहेड्रल, टी से क्या है ट्राइक्लिनिक, ह से क्या है हेक्सागोनल। अब देखिए टी और टी ऊपर आए हैं तो इसमें ये कंफ्यूज ना करिएगा, सिटी तो सिटी से याद रखिए कि सिटी ऑफ मराठा मतलब क्यूबिक टेट्रागोनल, आप इसको दो तीन बार पढ़ेंगे ना आपको अपने आप याद रहेगा कि ऊपर जो टी वाई आ रहा है उसमें हमने टेट्रागोनल ही लिखना है, अब वो भी आपको याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए सिटी ऑफ मराठा, सी आई प्लस ऊपर क्यूबिक फिर टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, म से क्या है मोनोक्लिनिक, र से रोम्बोहेड्रल, टी से ट्राइक्लिनिक, एच ए से ह से हेक्सागोनल, इसको स्पेलिंग लगे तो सिटी ऑफ मराठा निकलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ये अपने ब्रेविस लेटिस पे, अभी हम सब बताएंगे कौन क्या चीज़ होती है, लेकिन आपको पहले क्या करना है ये ब्रेविस लेटिस क्या, तो ऊपर बता के तो आया हूँ मैं आपको ब्रेविस लेटिस जिसमें आपको सिंपल
प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ही तो कहते हैं सिंपल को। देखिए सिंपल लिखा है एफ सी, ये एफ सी है ना, ये दिस इज एफ सी मतलब फेस सेंटर्ड, तो आपको फेस बताया था दीवार। बी सी मतलब, बी सी मतलब बॉडी सेंटर्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सब कुछ। ओके अब इसकी भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। आपको देखिए क्या करना है, पहले देखिए राठास है ना, रठा मराठा, यहाँ से म से ना करके आप राठा से करिए। तो यहाँ पे देखिए ये 1 1 1 111 आ रहे हो, 111 ये याद रखिए। देखिए सबसे बड़ी ट्रिक इस चैप्टर में ये है, इस टॉपिक की जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, कि एक वन सेकेंड इसे बैक कर दूँ, खराब ना हो। ठीक, सभी में ऊपर से नीचे तक आप आएंगे, यहाँ इधर इधर आएंगे, इधर सब में आपको सिंपल जरूर दिखेगा। देखिए सब में सिंपल आ रहा है, देखिए एस लिखा है मैंने, आगे एस लिख दिया है, यहाँ पर इधर एस लिख दिया था, ठीक है, सिंपल आ रहा है ऊपर से। अब आपको नीचे याद रखना, जब 111 नीचे है तो नीचे की टेंशन तो लेनी नहीं है, वैसे ही याद हो जाता है। रही ऊपर की बात, तो ऊपर को हम कैसे याद रख सकते हैं, या तो ऐसे याद रख लिए 32 42, या 24 23, नीचे से गए तो 24 23। ये आपको दोबारा अच्छे से अच्छे पेन से दिखा देता हूँ, वन सेकेंड रुकिए, आपको बहुत शानदार उससे दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए इन चीज़ों की। ओके आपको मैं ऑरेंज कलर से दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम नीचे से ऊपर यहाँ से गए तो याद रखिएगा, ये 2 लिखा है ना मैंने, 2, ये 2 का मतलब 2, इधर 4, इधर 2 और ये 3, ये बताऊंगा ये सब मैंने क्या लिखा है। पहले आप ऐसे याद रखिए 24 23, 24 23, ठीक 24 23 करके याद रखिए आप इसको, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए 2 से क्या है, यहाँ पर सिंपल और एंड सेंटर्ड, ठीक। अब 4 का मतलब क्या, यहाँ पे सभी आ गए, देखिए सबसे अच्छा तो आपको ये याद हो गया, 4 में सभी आ गए, सिंपल आ गया, बेस सेंटर्ड आ गया, आपका फेस सेंटर्ड आ गया, आपका और क्या बचा, एस सेंटर्ड बचा, ये सब आ गए आपके, ठीक है। और ऊपर आ गए 2 पर, फिर अब यहाँ 2 का क्या, नीचे तो चलो एंड सेंटर्ड था, ऊपर 2 का मतलब है बी सी, बी सी मतलब बॉडी सेंटर्ड। ऊपर 3 आ गया, 3 में आ गए बॉडी सेंटर्ड भी एफ सेंटर्ड भी। याद रखिएगा आपका एंड सेंटर्ड ना 2 ही जगह आ रहा है, आप ये भी याद रख सकते हैं, और ऊपर जगह तो हम और चीज़ें से याद कर लेंगे, लेकिन एंड सेंटर्ड है ना आपका, एक तो मोनोक्लिनिक वाले में आ रहा है। जब आप लिखेंगे ना ये टेबल को अपने आप ही, मन से सिटी ऑफ मराठा लिखा, फिर बगल में आ गए, पहले नीचे से 111 लिख दिया, फिर 22 22 नहीं सॉरी 23 24 23 24 नहीं, हमने 24 23 लिखा था, ठीक है 24 फिर 23, तो नीचे 2 लिखा, तो याद रखिए पहले हम नीचे से लिखेंगे तो पहले एंड सेंटर लिख लेंगे, ऊपर चौथे में याद रखिए, जो चौथा मतलब 24 है ना, इन 24 या कि 24, ये और ट्रिक बन गई, देखिए मैंने पहले नहीं बनाई लेकिन अब बन गई आपके लिए। देखिए जो 24 है ना, अरे यार ये पेन अच्छे से चल नहीं रहा, आज मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है पता है, इस वजह से आज मैं क्लास भी बहुत मुश्किल से ले पा रहा हूँ, चलिए नहीं चल रहा पेन। जो 24 है ना, यह था कि 24 के अंदर एंड सेंटर आएगा ही आएगा, और जो 23 है 23 में एंड सेंटर नहीं आएगा, 23 में हमारा बॉडी सेंटर आएगा, और जो 3 आ गया ऊपर 3 में फेस सेंटर ऐड कर दो, और जो यहाँ 4 था यहाँ पर आपको एंड सेंटर और बेस सेंटर है, ठीक है। मतलब 4 में आपके 4 आ गए, 3 में आपके 3, यहाँ पे और है नहीं, तो 3 में आप एंड सेंटर ना रखिएगा बस। या था कि 24 वाले में एंड सेंटर आएगा और 23 वाले में एंड सेंटर नहीं आएगा, 23 वाले में 2 वाले में बॉडी सेंटर आ जाएगा और ऊपर वाले में आपका आ जाएगा फेस सेंटर। और बड़ी ट्रिक देखिए, इसको हरा कलर कर लेते हैं हम, देखिए इसको आप कैसे रहेंगे, 123 ऊपर से नीचे आइए, 123 31 32, ये ऐसा नंबर है बहुत जल्दी याद हो जाता है लोगों को, 123 31 32। अब जब पढ़ेंगे नॉर्मली क्या बोलेंगे, 123 31 32, बोलिए मेरे साथ 123 31 32। अब देखिए जो हिंदी वाले लोग हैं, लेकिन आप चाहे इंग्लिश वाले ही क्यों ना हो, 123 तो जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए, 123 को 123 कहते हैं, 31 32 31 और 32, ठीक 31 32, ठीक। अब जो 123 का क्या मतलब, वन यहाँ पे वन का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे जो ए और बी सी मतलब जो उनकी साइड से ए बी सी, ये आपस में इक्वल होंगी, क्या होगी इक्वल होंगी, क्यूबिक, जैसे क्यूब में सब चीज़ें क्या होती है इक्वल होती हैं, तो
तो यहाँ पे जब याद रखिए, जहाँ भी वन आया वहाँ पे तीनों इक्वल, जहाँ कहीं टू आया तो सीधी सी बात है एक में गड़बड़ है, सी में। सी जरूरी नहीं है सी में ही हो, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई है, जो वहाँ पे टू आया, टू देखिए दो जगह आया, दोनों में सी में ही प्रॉब्लम है, मतलब बी और सी इक्वल नहीं है एक दूसरे के। यहाँ देखिए बी और सी को इक्वल है एक दूसरे के। ओहो ये तो ए पे चला गया। बी और सी को इक्वल है नहीं है, और यहाँ पर भी बी और सी इक्वल नहीं है, ठीक यही मैं बताना चाह रहा हूँ। जब और जो तीन आ गया जहाँ कहीं, तो मतलब तीनों इक्वल नहीं है, ठीक। दो का मतलब एक इक्वल नहीं है, तीन का मतलब दो इक्वल, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, ऐसा याद रखिए, दो इक्वल नहीं है। मतलब वन में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, टू वाले में जहाँ पे दो नंबर आ रहा है, जैसे 123 में सेकेंड नंबर पर टू आया, यहाँ पे ए बराबर बी तो होगा पर बी बराबर सी नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही हम तीसरे पे आ गए जहाँ पे लिखा 123, तीसरा एक, ये 123, ये 323 वाला, ठीक। अब इसमें क्या तीन है, तीन में से ना तो ए बराबर टू बी होगा ना तो बी बराबर टू सी होगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ठीक। 131, 32 में भी ये 31 मतलब 31, तीन कोई इक्वल नहीं, ठीक। 31 में कोई इक्वल नहीं, 1 में तीनों इक्वल, 32 में वही वाली ट्रिक, तीन में कोई नहीं है, ठीक। उससे अगले पे आ जाइए, ये इनके बीच के एंगल्स हैं, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। इसमें भी देखिए जैसे हमने यहाँ पे याद करा था ना, नीचे के तीन सिंपल वाले में सिटी ऑफ मराठा में तीन वन 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 है, ऐसे यहाँ पे याद कर लीजिए ऊपर के तीन लगातार 90 90 90 डिग्री हैं, तीनों बराबर, अल्फा बीटा गामा। मतलब अल्फा इधर, ये बीटा मान लीजिए, इसको गामा कुछ भी मान लीजिए, मतलब अल्फा बीटा मतलब एक्स वाई जेड होता है, इन तीनों के बीच का जो एंगल होगा क्यूब है, सीधी सी बात है। क्यूब में 3D स्ट्रक्चर है, 3D में तीन एंगल आ जाएंगे, 2D में दो एंगल, 1D में वन एंगल, 3D में तीन एंगल, मतलब एक्स वाई का, वाई जेड का, एक्स जेड का, तीनों एंगल आ गए। तो ये तीनों एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हैं, 90 90 और जैसे भी, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, अब जैसे ये है, ये आप देखे ही होंगे, मतलब अच्छे से देखिए, ये वाला एंगल 90, ये 90 और कहाँ गए, ये और ये 90, ठीक है, सारे एंगल 90 हैं। तो ये हमारा क्यूब, ऊपर से याद रखिए ऊपर से तीन 90 90 90, ठीक। नीचे में आ जाओ, यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बताऊँ इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें दो ऐसे होंगे आपके, ये दो देखिए ऊपर के तीन 90 90, नीचे के दो, नीचे के दो में आपका अल्फा और गामा तो 90 होगा पर बीटा 90 नहीं होगा। इसमें याद रखिए आप, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90, यहाँ दो याद हो गए। यहाँ पे तीनों में से कोई 90 के बराबर नहीं होगा, ठीक। उसके नीचे अल्फा और बीटा तो 90 होंगे, लेकिन जो गामा होगा 120 होगा डिग्री। ये तो इकलौता केस है, तो वैसे ही याद हो जाता बच्चों को। याद रखिए जो आखिरी वाला है वो 120 डिग्री होगा, सबसे लास्ट वाले में, हवा में, हेक्सागोनल में, ठीक है। सिटी ऑफ मराठा से पहले सबके लिख लीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा इसको बताइए ट्राई क्लिनिक का, आपका यहाँ ट्राई क्लिनिक कहाँ आता है, कुछ नहीं मेरी ट्रिक ही लगाइए, पहले सिटी ऑफ मराठा लिखिए, फिर बगल में आप 31 32 ना लिखिए, वो तो 123 31 32 तब लिखिए जब आपसे उनके पूछा जाइए ए बी सी बराबर है कि नहीं है। लेकिन आपसे एंगल पूछा जाए ना, तो ये याद रखिए ऊपर के तीन आपके 90 डिग्री, नीचे के दो में आपके बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, बाकी के होंगे, तीसरे वाले में कोई भी नहीं होगा, चौथे और जो सबसे आखिरी वाला है उसमें गामा होगा वो 120 डिग्री। तो आपका ट्राई क्लिनिक किस पे आ रहा है, नीचे से सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, नीचे से ऊपर वाले पे। जब नीचे से ऊपर आ रहा था वहाँ देखिए ना क्या लिखा हुआ है, सब 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो यही आपकी ट्रिक है आज की, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठोकिए चैनल को, क्या ठोकिए, लाइक ठोकिए और कुछ नहीं, और अच्छे से अच्छी जगह पहुँचाइए बच्चों को, ठीक। चलिए अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल तो आप बुक से देख लीजिएगा, ये सारे बुक के एग्जाम्पल से मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये सब बुक के एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, जिससे आपको टेंशन हो। चलिए इसमें अब जल्दी से जल्दी ये बात कर लेते हैं, फिर हम बाकी की क्लास कल करेंगे। अब देखिए अब जैसे ये है हमारा, ये आपको ये सब कुछ नहीं याद करना, ये सब आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये सब मत याद करिए, अब ये याद करिए बस,
अगर नीट के स्टूडेंट हैं, अगर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो पढ़ लीजिएगा, उससे मैंने काट दिया ना उसको, आप पीछे रिमाइंड करके उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा। अब सिंपल और प्रिमिटिव में रेडियस, देखिए सबसे मेन चीज़ आती है ये फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल्स टू ए बाई टू। ए क्या है यहाँ पे? ए हमारी साइड दी गई है, ए इज साइड। ए क्या है बच्चों? पेन चलने में आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं लिख कम रहा हूँ, इसलिए मैंने आज फोन में फोटो खींच के ही पढ़ा रहा हूँ। नहीं मैं क्या करता, आपको ये चीज़ मैं अच्छे से लिख लिख के समझाता, क्योंकि आज मेरा फ़ोन पूरा हैंग हो रहा है, मेरा पेन भी नहीं काम कर रहा है इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा याद रखिए, सिंपल का जो रेडियस होगा ए बाई टू, मतलब हाफ हो जाएगा ए बाई टू, याद रखिए ए बाई टू, ए इस साइड। सिंपल में रेडियस निकालना है आर, क्या निकालना है? रेडियस। अब पैकिंग फ्रैक्शन देख लीजिए क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, बोर्ड वालों के बहुत काम का है। पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ, ये सॉरी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मतलब वॉल्यूम हमारे पर यूनिट सेल, एक एक सेल ने कितनी कितनी वॉल्यूम हमारी ऑक्यूपाई करी है, इसने ली है, ठीक है, ऐसे ऐसे कितनों ने ली है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उस पूरे क्यूब की कितनी वॉल्यूम, इससे हमें पता चलेगा पैकिंग फ्रैक्शन। वॉइड फ्रैक्शन निकालना है आपको, यहाँ बताएंगे क्या होता है। वॉइड फ्रैक्शन निकालना है आपको तो वन में से पैकिंग फ्रैक्शन माइनस कर दीजिए, ओके, ये हमारा वॉइड फ्रैक्शन फ्रैक्शन आ जाएगा। अब रैंक ऑफ सॉलिड क्या होता है? ओहो, रैंक ऑफ सॉलिड, रैंक ऑफ सॉलिड इज द टोटल नंबर ऑफ अफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब उसमें कितने अफेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। ये इसकी भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ट्रिक से पहले आप ये जान लीजिए, कॉर्नर होता है जो हमारा, ये वन, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट। अब कॉर्नर है, जैसे फिर से आपको कोई क्यूब वाली चीज़ दिखाएं, सपोज दिस इज कॉर्नर, कॉर्नर कह रहा हूँ, दिस इज क्यूब, क्यूब मान लीजिए, इसे पूरा बड़ा क्यूब था, अब इसका हमने कॉर्नर लिया, ठीक है, ये कॉर्नर, आप अच्छे से अंदर समझ पाएंगे, हमने इसका ये कॉर्नर लिया, ये पूरा कवर्ड है आगे से, मान लीजिए कॉर्नर लिया, जब कॉर्नर लिया तो इसको बताइए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे, मतलब जो इसके अंदर एक बॉल यहाँ फिट कर दीजिए, एक सीधी सी बात, वो बॉल देखिए इस वाले फेस को भी टच कर रही है, इस वाले को भी टच कर रही है, देखिए जब बॉल आएगी जो इसके अंदर हमने कॉर्नर पे बॉल फिट कर दी, तो अब वो क्या करेगी, आपका ये वाला फेस गया, देखिए ये वाला फेस गया, बॉल ने इसको ख़राब करा, और इसके ऊपर जो एक फेस लगा है उसका भी तो पार्ट वो टच कर रही है, तो ऐसे ही मिला के आप फिर क्या करेंगे, इसके बगल में एक वो और लगाइए क्यूब, इधर लगाइए एक, ऊपर लगाइए, मतलब इसको चारों तरफ से जब घेर लेंगे ना, दो क्यूब लगाइए ऐसे, तो उसको जो आपको पता है किसी का, अगर आपको कंट्रीब्यूशन देखना है तो सबसे आसान तरीका है दो क्यूब आपस में जोड़ दीजिए, अगर आपको चार जोड़ने पड़ रहे हैं, जैसे अब हम कॉर्नर है, कॉर्नर के लिए सीधी सी बात है, आपको एक इधर से दो ऊपर से तीन, तीन जोड़ने पड़ेंगे, तब आपको उसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन पता चलेगा, क्योंकि हर से दो दो आएगा, मैं बताऊँ कैसे, अब दो दो आप कन्फ्यूज़ कर देंगे, याद रखिए कॉर्नर लगाया हमने किसी रूम है, अब रूम पर कॉर्नर लगाइए, कमरे पे आपने कॉर्नर पे एक कोई चीज़ रखी, अब देखिए हमारा पहले ही दीवार का ए फेस, इधर वाला फेस, एक छत वाला फेस, ठीक, तीन हो गए, ऐसे एक बगल वाली एक किसी पड़ोसी का घर जुड़ा हुआ है हमसे, उस पर फेस तो हमारी वो सेम हो गई, जो इधर वाली फेस थी तो सेम हो गई, ये वाली इसका एक डुप्लीकेट उधर आ गया तो दो ये और बढ़ गई, एक उसकी ऊपर बढ़ गई, कितनी ऐसी कर, एक ऐसी आप हमारे सामने वाले पड़ोसी को देख लीजिए, हमने एक इधर पड़ोसी देखा, एक इधर देखा, एक हम अपने ऊपर देखेंगे, ऐसे करते करते हमारे पूरे 1/8 पार्ट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का। फेस सेंटर का कैसे करेंगे? बस फेस सेंटर का बहुत आसान है, हाफ आएगा, कैसे, कोई क्यूब है, एक ये क्यूब है, इसके बगल में एक और क्यूब ले लो, फेस सेंटर कहाँ होता है? फेस पे ही तो होता है, ये कोई दीवार है, दीवार के यहाँ फेस पे ही तो होगा ये फेस, और इसके आगे हमने दूसरी किसी पड़ोसी का घर ले लिया, तो ये फेस, तो क्या होगा जब हमने यहाँ रखा तो यहाँ से दूसरे बंदे का घर है और इधर दूसरे बंदे का घर है, ठीक, ये दूसरे बंदे, और ये फेस है आधा इसके घर में आ रहा है, आधा इसके घर में आ रहा है, तो क्या होगा,
ये समझिए, आपका कोई कमरा है और आपके पड़ोसी वाले का कोई कमरा है, या आपके घर में दो कमरे हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं, उसकी जो जॉइंट वाली दीवार है उसके बीच में आप एक चीज बॉल डालिए, बीच में एकदम सेंटर में बॉल फंसा दीजिए, आधी बॉल उसके घर में आधी बॉल आपके, तो उसका हाफ हो गया। ऐसी बॉडी का एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, बॉडी सेंटर, क्योंकि कमरे में एक बीच में ही लटका हुआ है वो, कहीं नहीं। एज, एज मतलब जो उसकी एज है, ये एज, एजेस, ये इसका कितना होगा, जब किसी आप कमरे की, जैसे ये है कमरा आपका, ऐसे कैसे, हाँ ठीक, ये कमरे की आपकी, ये ऊपर की वॉल, ये नीचे की, ठीक, इसकी जो ये लाइन है, हमने इस पे एक वो रखा, एटम रखा, तो क्या होगा, ये एटम आधा नीचे आधा ऊपर, ठीक, लेकिन आधे से यहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसे देखिए आप, यही वाला डब्बा हमने यहाँ रखा, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ रख दी, तो क्या करेगी, इस फेस को भी ले रही है, इसको भी ले रही है, ठीक, लेकिन इससे हमें ये तो पता चल रहा है, इसके ऊपर हम एक और रखेंगे, वो उसका आधा फेस ले रही, एक इधर हम क्यूब लगाएंगे आपके आगे, वो इधर इसका आधा फेस ले रही है, तो क्या होगा, ये 1/4 हमारा ले रही है कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होता तो कमरे से अपना समझिए, कमरे में लगा लगा के एजेस को, सबसे बढ़िया बॉल का एग्जांपल होता है, बॉल को फिट करिए, ये सोचिए बॉल दीवार के बीच में, आधी उधर आधी इधर, इस तरीके से तब जल्दी याद होगा आपको, नहीं तो फिर रटना तो रटना ही है, रट सकते हो तो। चलिए इसमें आपको, तो सोच रहा हूँ क्या पढ़ाऊँ इसमें, और टाइम बचा नहीं है इतना। चलिए ये आपको पता होना चाहिए कि एक क्यूब के अंदर, चलिए मैं आज बस क्यूब सिंपल वाले पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको बॉडी और फेस सेंटर कल पढ़ा दूँगा। जो क्यूब है, क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, हमेशा याद रखिए 8 कॉर्नर, 6 फेसेस होते हैं, 1 बॉडी सेंटर होगा, 12 एजेस होंगे, 4 बॉडी डायगनल्स होंगे, और 12 फेसेस होंगे। फेस कौन से वाले, फेस डायगनल्स, या सॉरी ये ना, ये मैं लिखा ऐसे करके, ये ऊपर डायगनल्स जब कॉमा ऐसे डाल देते हैं, और ऊपर से ये डायगनल्स मतलब फेस डायगनल, फेस से करिए, ये कोई फेस है, ये फेस ऐसे फेस, मतलब फेस को फेस से कट करना, डायगनल फेस से फेस को कट करना, फेस से फेस को, ये ऐसे, ठीक है, ओके। चलिए रैंक ऑफ सॉलिड, हाँ सिंपल वाले की जो रैंक ऑफ सॉलिड होगी 1 होगी हमेशा, मतलब इसका जेड बराबर 1 होगा, किसका, सिंपल वाले का। चलिए आपको पैकिंग फ्रैक्शन, आपको है ना ये डायरेक्ट याद करना है, मैं बताऊं इसमें आप अगर, हाँ बोर्ड के बच्चे हैं तो आप ये पूरी कैलकुलेशन देख सकते हैं जो मैंने कर रखी है, आप ये पूरी कैलकुलेशन देखिए कैसे आया, एक एक सेल का कंट्रीब्यूशन, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन मतलब उसकी वॉल्यूम और पूरे क्यूब की वॉल्यूम, ये आएगी फॉर्मूला, मैंने ऊपर पीछे बता दिया था आपको, बस क्या याद रखना है मैं बताऊँ, ये रहा मेन चीज, पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 होता है, अगर परसेंटेज में बोला जाए तो 52%, और वॉइड फ्रैक्शन 1 में से माइनस कर दो 0.48। आप इसका बस सबके पैकिंग फ्रैक्शन याद रखिए, किसी का वॉइड फ्रैक्शन अगर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तब हो जाएगा, सिंपल का याद रखिए पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, ये ऊपर मैंने कैलकुलेशन करी हुई है, ये सारी कैलकुलेशन आप इस कैलकुलेशन से करेंगे तो आंसर यही आने वाला है, कैलकुलेशन मैं नहीं बता रहा, मैंने पहले से कर रखी है, इतना 12th में आ गए तो आपको कैलकुलेशन आती ही होगी, ठीक है बच्चों। चलिए 0.52 होती है पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल की। चलिए अब फेस सेंटर्ड आता है, ये हम कल पढ़ेंगे, हमारा टाइम भी बहुत हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों, बच्चों, जो भी हैं आप, मैं आप ही की उम्र का हूँ पहली बार, तो आपको दोस्तों ही कहूँगा, बच्चे कहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अभी मेरी केमिस्ट्री का आज इतना टाइम हुआ, इतना हमने सिंपल तक पढ़ा, उसके बाद आप देखिए हम कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको मैं पहले बता देता हूँ, फेस सेंटर्ड पढ़ने वाले हैं इसका, फिर बॉडी सेंटर्ड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अभी हम फिर पढ़ेंगे ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, हाँ इसका रेडियस, सबके रेडियस के बारे में, फिर डेंसिटी भी आपको पढ़ाना है, फॉर्मूला मेन चीज़ें जो आ गए, फिर आपको वॉइड, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर,
किसके कहाँ क्या होता है, ये सारे नोट्स देखिए मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं। क्या पता कर अगर मेरा मोबाइल सही हो गया तो मैं अपने हाथ से ही अच्छे से लिख के पढ़ा दूंगा, नहीं तो आपको ऐसे फ़ोटो के थ्रू ही पढ़ाना पड़ेगा। फिर नीचे आपके ये हैं डिफेक्ट्स हैं, सारे डिफेक्ट हैं। ओके चलिए तो फ्रेंड्स चलते हैं, सेफ रहिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करे रखिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी देखिए। और इसको अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को फैलाइए जिनको इसकी ज़रूरत है सच में। और जो आज की ट्रिक बताई है, कल भी और भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, पहले आज की ट्रिक को आप याद करिए जब तक, ठीक है? चलिए तो चलते हैं, ओके बाय बाय।